हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अच्छा जी, अब हमारा जो डे टू का तीसरा जो व्लॉग है वो है हैदर अली सेंटर के ऊपर, जो कि इस वक्त आज़र बाईजान की सबसे मशहूर और बाकू की सबसे मशहूर जो है वो आर्किटेक्चर के हवाले से या सबसे फेमस जो जगह है ना वो हैदर अली सेंटर है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जी हैदर अली सेंटर है, इसके बाहरी साइड हम इसके अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर जाके। सो फाइनली वी आर गोना एंटर दी हैदर अली सेंटर। हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे पीछे भी एक बहुत मशहूर बिल्डिंग है, हम गए नहीं, हमें नहीं पता वहाँ पे क्या है, लेकिन ये है वो जगह जिसके लिए हम यहाँ आए। इसमें हम एंटर होते हैं। सो दोस्तों, ये पीछे से आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये है बेसिकली मेन बिल्डिंग। अभी हम अंदर नहीं जा रहे, हमने पहले सोचा कि क्योंकि सूरज ग़ुरूब होने का टाइम आ रहा था, तो हमने कहा पहले इसको बाहर से देख लेते हैं और फिर इसके अंदर जाके हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या अट्रैक्शन है जो कि इसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। मेरे साइड पे मैं इसको एक दफ़ा दूसरा एंगल से भी कवर करता हूँ। ये है जी एक लैंडस्केप, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसके सराउंडिंग में देखें बिल्डिंग्स, तो बहुत ही खूबसूरत जो है ना बिल्डिंग्स भी हैं, जो कि अब ये आजकल के ज़माने की बिल्डिंग है, लेकिन बहुत ही फेमस है ये। आप देख रहे हैं एक और, आई थिंक ये स्पोर्ट्स अरीना है, पता नहीं क्या है ये, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ये जी इसकी हम सेकंड साइड पे आ गए, ताकि मैं इसको क्लियर पूरा कर सकूं कवर के कैसा लग रहा है इस साइड से। इस साइड से भी और खूबसूरत लग रही है। यानी बेसिकली इसकी चार साइड्स हैं, चारों साइड से अगर आप देखेंगे इसको तो इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो कि उस साइड से नज़र नहीं आ रही थी। वाह, इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। अच्छा जी, हम इस वक्त हैदर अली सेंटर के एंटर में आ चुके हैं, और ये आप देख रहे हैं भाई साहब, पता नहीं कोई, और ये एंट्रेंस है। हमें वहाँ से स्टार्ट करने के लिए बोला गया, तो वील स्टार्ट फ्रॉम हेयर, और फिर देख ऐसी क्या ख़ास बात है जिसके लिए दुनिया यहाँ पे आती है। मज़े की बात ये, जब हम एंटर हो रहे थे तो ये सामने आ रहे हैं जहाँ पे ये हैंगर लगा हुआ है, वहाँ पे एक आंटी आई, उन्होंने बोला कि आप अपनी जैकेट उतार दें, तो हमसे जैकेट्स जो है ना वो उतरवा ली गई हैं। और मेन पेंटिंग एरिया के अंदर जहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पेंटिंग्स हैं, जिसमें मेरा बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पियानो स्टेयर्स हैं जी, पियानो स्टेयर्स पर पियानो तो बज नहीं रहा, लेकिन व्यू बड़ा आला है। ये अंकल हैं जिनको उल्टा लटके हुए हैं। आप लोग फ्लोर पे गौर करें, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये स्लाइडिंग है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, क्योंकि ये इतना क्रिस्टल क्लियर है कि हमें भी दो मिनट ऐसा लगता रहा कि शायद अभी हम स्लिप होकर नीचे गिर जाएंगे, लेकिन और स्लाइड होने का रास्ता है भी क्या? ये क्या है, मतलब हम यहाँ से, अच्छा वो स्टेयर्स हैं। अच्छा, मुझे ऐसे लगा था हाँ नो एंट्री ना। सामने वो रास्ता था जहाँ से आने से मना किया हुआ उन्होंने, ये स्टेयर्स उतर के बेसिकली यहाँ पे कोई कार एग्जीबिशन हो रही है वहाँ पे जा रही है, इसलिए उन्होंने हमें मना कर दिया। मैप को उन्होंने ख्वातीन का पूरा हुआ। ये इनके लॉन्ग के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, जो कि आजकल तो बिल्कुल भी नहीं पहन रहे, लेकिन पुराने वक्तों में पहनते थे लोग। फनी पार्ट मुझे लगा इस पूरे म्यूजियम में वो ये, जैसे ही आप इन तमाम इंस्ट्रूमेंट करीब जाएंगे तो वहां पे म्यूजिक बनना शुरू हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
ये लोग जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते रहे हैं पुराने ज़माने के अंदर, ये सारा उसी पे फ्लोर जो है वो सजा हुआ है इन चीज़ तमाम पुराने इक्विपमेंट्स के साथ। ये बेसिकली म्यूज़िक गैलरी है लोगों की। ये इसका जो है वो हैदरली सेंटर का नेचर है, दिखाया गया कि कैसे बना हुआ है। ये बच्चों का फ्लोर है जहाँ पे बच्चों कार्टून्स या हॉट डॉल्स रखी हुई हैं यहाँ पे।